हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार. मैं बबीता त्यागी, ICS कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है. कई लोग कहते हैं मैम आप इंट्रोडक्शन मत दिया करो, हम आपको जानते हैं. बहुत सारे व्यूवर्स बच्चों नए नए जुड़ते हैं जो नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं, और हमारा इंट्रोडक्शन देना इसलिए कई बार ज़रूरी होता है. चलिए, आज HSSC का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हूँ. हरियाणा GK की सीरीज़ चल रही थी और आज मैं थोड़ा पुराना सब कुछ चेक कर रही थी, तो मैंने देखा कि लगभग 15-17 क्लासेस हैं हरियाणा GK की जो अब तक टोटल में मैंने प्रोवाइड कराई हैं. अगर कोई भी अपना बेस तैयार करना चाहता है तो 15-17 क्लासेस बहुत होती हैं हरियाणा की एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा GK मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई है. 17 क्लासेस हैं जो कि एक बेस का काम ज़रूर करेंगी. इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में 18 क्लासेस हैं, अगर आप उनको भी इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं. बाकी आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. आपका मन करे देखिए, ना मन करे मत देखिए. आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, जो मैंने फील किया, हिंदी में बहुत सारे बच्चे हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, और हिंदी हरियाणा के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ हरियाणा नहीं, यूपी के एग्जाम्स में. यूपी के कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम आप हरियाणा वालों का ज़्यादा ध्यान रखते हो, आप हमारे तो कोई क्लास ही नहीं लेते हो. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों. हरियाणा के बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं अगले महीने में, बहुत सारे एग्जाम हैं, और एक अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा काम हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है. इसमें यह बात नहीं होती कि हम हरियाणा के ही बच्चों पर ध्यान देते हैं. आज जो हिंदी का टॉपिक लाई हूँ, ये पूरे देश में कहीं भी कोई भी एग्जाम होगा जहाँ हिंदी आएगी, तो ये मान के चलिएगा 100% ये टॉपिक कवर किया जाएगा. और मैं देख रही थी कि संधि का बहुत ज़्यादा डिमांड है. बहुत सारे लोग कहते हैं संधि पढ़ा दीजिए, संधि पढ़ा दीजिए. ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी नहीं पढ़ा रखी है. हिंदी के भी समास, अलंकार और वर्ण विचार, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले भी कराए हैं. अगर आपको वो मिल जाते हैं, उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा. काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं एक बेस तैयार करने के लिए. ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल से आपका ऐसा तो है नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा. एक बेस का काम करेगा, इसके बाद आप किताब उठाइए. आज इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं. आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूं, ये टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, और ये टॉपिक है संधि का. संधि मतलब होता है बच्चों जॉइनिंग, जॉइंट. जैसे हम साइंस की बात करें तो आप हड्डियों में और इन सब में जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ जब हिंदी की बात होगी, हिंदी में संधि में क्या पढ़ा जाता है, इन हिंदी में ना मेनली दो ही चीज़ हैं जो हिंदी भाषा में बोल रही हूँ, जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं. ये दो चीज़ों का मेन मिश्रण है, एक स्वर और एक व्यंजन. स्वर और व्यंजन क्या हैं, ये मैंने एक क्लास बहुत पहले यूट्यूब पर कराई थी जिसमें इनको बहुत डिटेल से मैंने समझाया था. आज उतना टाइम मैं दोबारा स्वर व्यंजन पर बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा आज टारगेट है संधि की शुरुआत करना. तो स्वर की एक हल्की सी परिभाषा आपको बता दूँ. ऐसी सभी साउंड्स जिनको बोलते टाइम हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, जिसको प्राणवायु कहते हैं, वो कहीं भी रुके ना, अटके ना. ऐसी साउंड्स जिनको बोलते टाइम प्राणवायु सीधे बाहर आए, और उसको कहीं भी ना जीभ के साथ, ना गले में कहीं कंठ के साथ, ना तालू के साथ टकराना पड़े, रुकावट आए, उसे कहते हैं स्वर. आप सब लोगों ने जब आप पढ़ना स्टार्ट किया हिंदी, तो आपको अ आ ई ई ये पढ़ाया गया था, ये सब स्वर है. स्वर का अगर हम देखें तो हमारे यहां पर अब संधि में जब स्वर पढ़ेंगे तो देखिएगा अ आ ई ई ये मेन पांच हैं. उ, और इसको लोकल भाषा में हम तो पढ़ते थे बड़ी ई बड़ा उ, लेकिन कायदे से ये साउंड अलग होती हैं. ये उ की साउंड है, हम अपनी लोकल इसको बड़ा उ कहते हैं. क्या फर्क पड़ता है कि असली क्या है और बोलना क्या है, जैसे आपको समझ आए, क्योंकि आपको हिंदी का कोई प्रख्यात पंडित तो बनना नहीं है किसी को. यहाँ टारगेट मेन है सिर्फ इतना आ जाए कि एग्जाम पास कर जाए, बाकी जिसका इंटरेस्ट है वो आगे सीख सकता है. ए आई और ओ और औ, जिसको आप बड़ा ओ बोलते होंगे, इन सब से हम संधि के बारे में डिस्कशन करेंगे. सब इंपॉर्टेंट है. इसको मान लीजिए ये पांच फैमिलीज हैं, हम इसको अपने आसान बनाने के लिए पांच परिवार मान लेते हैं. एक जैसी बनावट के पांच परिवार हैं. फर्स्ट फैमिली में अ आ आएगा, दूसरी में ई ई, फिर तीसरी में उ उ, फिर ए आई और ओ औ. ये पांच फैमिलीज हैं. बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. कोशिश करो आप कोई भी टाइप ना करो मैसेज. ये क्लासेस आपको पढ़ाने के लिए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं कभी भी, आपने देखा है, मैं कभी मैसेज नहीं पढ़ती. मैं ये चाहती हूँ कि इस टाइम पर आपका 100% ध्यान पढ़ने पर रहे. मैथ्स है, चलिए आप उस टाइम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, आप फाइंड आउट कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं एक सेकंड भी बीच में ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ बोल ना रही हूं. तो कोशिश करो कि मेरी क्लास में बंद के चीजों को सुनो और समझो. ये बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 99% लोगों को टफ लगता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता लाइफ लॉन्ग की संधि क्या चीज़ है। बहुत छोटी बात है, पांचवी क्लास का छठी क्लास का बच्चा आसानी से समझ सकता है अगर वो मेरी इन चीज़ों को स्टार्टिंग से बस सुन लेगा। तो सारा ध्यान अब सुनने पर रखना, मैसेज को बिल्कुल बंद कर दो। ये पांच परिवार हैं, पांचों में एक पहले जैसा ही दूसरा है, बस उसको हम बड़ा मान लेते हैं या उसकी साउंड थोड़ी सी अलग क्रिएट करते हैं। अब संधि का मतलब क्या है, जॉइंट, कैसे जॉइंट ढूंढोगे? देखो, आपको दो शब्द मिलेंगे, इसको हिंदी में हम धन कह देते हैं, प्लस का निशान ना धन कहलाता है, वैसे हम कहेंगे जमा, जैसे पाठ जमा शाला या विद्या जमा आलय। जमा सुनना ज्यादा आसान है, बोलना ज्यादा आसान है, धन बोलने से आपको भी दिक्कत मुझे भी दिक्कत। देखिए, हमने दो शब्द देखने हैं, मान लीजिए मैंने अभी एग्जाम्पल लिया विद्या, एक मैंने लिखा विद्या और इसके साथ मैंने लिखा आलय, आलय मतलब घर। अब ध्यान से समझना, विद्या में आपको देखना है स्वर क्या है एंड में, पहले शब्द का आखिरी हिस्सा देखना है और दूसरे शब्द का पहला हिस्सा पकड़ना है, दोनों आसपास हैं, पहले का एंड। एक बार देखो बोर्ड पर ध्यान से समझो, जैसे विद्या है, विद्या का आप एंड देखिए, विद्या का एंड है आ, ये मात्रा जो है ये आ की मात्रा है, और यहाँ आलय की स्टार्टिंग देखिए ये भी आ है, यानी यहाँ पर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, पहले के लास्ट का देखना है और सेकंड का पहला देखना है, दोनों को ज्वाइंट करके क्या चेंज आया, एक बार देखो, ये चेंज आया विद्यालय। अब देखना, इसमें हमें सिर्फ चेंज देखना है, चेंज मतलब जहां ज्वाइंट हुआ, ये ज्वाइंट हुआ है यहां पर, ये क्या बन गया आ, इसका मतलब है पहले के लास्ट में भी आ था, सेकंड की स्टार्टिंग भी आ है, और जो चेंज आया, परिवर्तन आया, वो भी आ है। इन तीनों को आप देख रहे हैं आ आ आ, इसमें ये जोड़ा तो आंसर आया आ, ये एक ही फैमिली है, आ की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ आ की। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा कवि, इसको समझना है सभी लोगों को, कवि, फिर मैंने लिखा इंद्र। अब कवि में ध्यान दीजिए, स्वर ना हमेशा बच्चों मात्रा से दिखाई देंगे, जैसे स्वर अगर आपको नहीं दिख रहा ना, आपको व्यंजन दिख रहे हैं, क से लेके ज्ञ तक, ञ तक सारे व्यंजन हैं, व्यंजन के अलावा स्वर नहीं दिख रहा तो वो मात्रा है, क्योंकि सिर्फ स्वरों की मात्रा होती है, क की कोई मात्रा नहीं है, म की कोई मात्रा नहीं है, मात्रा सिर्फ स्वरों की है और मात्राएं सिर्फ 10 हैं। एग्जाम में आ जाए कुल मात्राएं कितनी हैं हिंदी में, तो 10 मात्राएं हैं। अ से और अंग अह को हम लिखते बेशक स्वर में है, लेकिन ये व्यंजन में आएंगे, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा ही नहीं है। आ की मात्रा है, एक डंडे के फॉर्म में आप लगाते हैं, ई की मात्रा बड़ी की आप सब जानते हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिए, मात्रा में पहचानिए क्या है ये ई, छोटी मात्रा ई की, इधर छोटी होती है उधर बड़ी होती है, यहां हमने लास्ट देखा ई की मात्रा, यहां हम पहला देखेंगे ई, जब इनको इकट्ठा लिखेंगे ना तो ये मात्रा देखो ऐसी बनेगी, कविंद्र, पेपर में आएगी ये हिंदी में, फिर उस टाइम पे आधे बच्चे इसको कविंद्र लिखाएंगे छोटी मात्रा के साथ, ये बड़ी मात्रा बन गई। क्यों बड़ी बनी? क्योंकि छोटा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू बड़ा ई होगा, ठीक है, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ऐसे ही बड़ा ई प्लस बड़ा ई ही बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, इस तरह से देख लेना होता है, पहले का लास्ट देखो, सेकंड का फर्स्ट देखो, और जो चेंज आए उससे पता लगा लो कि क्या है ये। एक और एग्जांपल देखो, हिम जमा आलय, अब ध्यान से देखो, हिम में छिपा हुआ है कुछ नहीं है ना, इसका मतलब अ है, जिस अक्षर में कुछ भी नहीं मिलेगा ऑटोमेटिकली समझ जाना उसमें अ छिपा है, क्योंकि व्यंजन बिना अ के बोले ही नहीं जा सकते, और अगर आएंगे तो फिर वो आधे में आएंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल, मैंने म लिखा, इसका मतलब है आधा म, हलंत वाला आधा होता है, इसमें अ ऑलरेडी है छिपा हुआ, अगर मैं इस अ को हटा दूं इसमें से तो इसका मतलब हो गया ये ऐसा है, म के नीचे हलंत है, तो हर एक में, जैसे मैंने प लिखा ना, इसका मतलब है प हलंत वाला प्लस अ, हर एक में अ है जो दिखाई नहीं देता। अब यहाँ हिम है, हिम में क्या छिपा है अ, यहाँ क्या है आ, अ प्लस आ, और इकट्ठे लिखेंगे तो क्या आएगा हिमालय। अब अपने आप देखो, यहाँ पे मात्रा के फॉर्म में जो है वो स्वर है, मात्रा क्या है ये वाली आ, यानी अ प्लस आ इज इक्वल टू आ बन गया, तो हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय। ऐसे ही विद्या प्लस अर्थी क्या बनेगा, विद्यार्थी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब ये ज्यादा समझ में आएगा।
देखिए संधि क्या है. संधि तीन प्रकार की है. संधि मतलब ज्वाइनिंग. किस किस की ज्वाइनिंग? पहले का लास्ट देखना है मात्रा और सेकेंड वर्ड का पहला हिस्सा देखना है. वो दोनों स्वर मिलेंगे. अगर पहले के लास्ट में स्वर ना दिखे तो समझ जाना कि अ है, छिपा हुआ अ. अगले की स्टार्टिंग में कोई ना कोई स्वर, स्वर मतलब अ आ इ ई उ ऊ वाले, ये मिलेंगे. इन दोनों को जॉइंट जब आप करेंगे तो जो चेंज आएगा उससे आपको पहचानना है कि कौन सी संधि है. मैंने सबसे पहले लिखा है दीर्घ संधि. दीर्घ संधि का एक नियम है बच्चों, मैं डेफिनेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कोई किताब उठाना, सब डेफिनेशन से भरी पड़ी है, पर याद नहीं होती. कभी भी संधि पढ़ के याद नहीं होती, समझने से याद होती है. तो इसकी डेफिनेशन को आप किताब से पढ़िएगा. देखिए मैं क्या बता रही हूँ. हम यहाँ मान लेते हैं मैंने अभी पांच चीजें लिखी थी आपके सामने. एक लिखा था अ और आ, इसको हमने फर्स्ट फैमिली माना. इसके बाद ई ई, फिर ऊ बड़ा ऊ, ए आई, ओ और आऊ, ये पांच परिवार मान लेते हैं. परिवार इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये याद रखना आसान होगा अगर आप इसको फैमिली की तरह मान के पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है. परम जमा अणु. ध्यान से देखो, परम में छिपा नहीं, अंदर है वो, दिख नहीं रहा. म है, इसका मतलब अ है. इसका मतलब हुआ अ प्लस अगला क्या है अ. और यहां क्या बन गया, यहां मात्रा ढूंढो किसकी है. परम के आगे किसकी मात्रा है, आ की. जब अ में अ आ गया, दो अ इकट्ठे होने से क्या हो गया, बड़ा आ. तो अ प्लस अ इज इक्वल टू बड़ा. ये दीर्घ की पहचान होती है जब एक परिवार अपने आप में ऐड होके अपनी ही फैमिली को बड़ा करे. ये मान लीजिए एक फैमिली है अ, तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अपना ही परिवार बड़ा हुआ. अ में ई नहीं आया, ना ऊ आया, ना ए आया. अ प्लस अ इज इक्वल टू आ. अगला देखिए, स्व में छिपा है अ, दिख नहीं रहा ना, तो अ है. यहां भी अ है और यहां क्या हो गया आ. स्व प्लस अर्थ क्या बना, स्वार्थ. जो अपना अपना फायदा देखे, स्व जमा अर्थ इज इक्वल टू स्वार्थ. अगला देखिए, शरण. अणा में फिर छिपा हुआ है अ, ये फिर अ है, यहां आ बन गया. तो एक ही परिवार है. अगला देखो, इसमें अ है पीत में, अंबर में अ है, पीतांबर में आ है. देव में अ छिपा है, फिर आ है, फिर आ है. एक ही फैमिली है ये. यहां भी अ है, यहां आ है, यहां आ है. अब पेपर में या तो इनके प्रकार पूछेंगे या सीधा संधि का एक शब्द देंगे, संधि किया हुआ, और कहेंगे इसका विच्छेद कैसे होगा. इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा तुम्हें समझ में आएगी. तो कोई भी किताब उठाओ, छठी सातवीं आठवीं, हर किताब में संधि का चैप्टर दिया है. कोई भी आप ग्रामर की किताब मार्केट से लोगे, उसमें भी सब में संधि है. सिर्फ पढ़ने की दिक्कत है और समझने की. अगर बेस समझ में आ जाए तो जितने वर्ड्स पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा. अब देखो यहाँ शब्द देख लेते हैं. परम जमाणु क्या बना, परमाणु. स्व जमा अर्थ, स्वार्थ. शरण जमा अर्थी, शरणार्थी. पीत जमा अंबर, पीतांबर. देव जमा आलय, देवालय. देव जमा आगमन, देवागमन. नेक्स्ट देखते हैं. वो तो अ की फैमिली थी ना पूरी, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं. देखो जरा, रवि. रवि में मात्रा किसकी है, छोटी ई की, यानी ई प्लस. इंद्र में सामने दिख रहा है ई, तो ई प्लस ई इज इक्वल टू, देखो यहां पर बड़ी मात्रा आ गई, यानी बड़ा ई बन गया. छोटा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू बड़ा ई. एक फैमिली बदल गई. पहले हम अ की फैमिली पढ़ रहे थे, अब हम ई की फैमिली पढ़ रहे हैं. फैमिली एक ही चलेगी तो वो दीर्घ संधि है. अगर फैमिली बदली ना, जैसे अ में आपने ई जोड़ा तो फिर फैमिली बदल गई, फिर आंसर अलग आएगा. दीर्घ का मतलब अपने आप के परिवार में परिवर्तन आना, कोई दूसरे परिवार में नहीं. और देखो जरा, अभी में छोटी ई, फिर ई क्या बन गई, बड़ी ई. यहाँ छोटी ई, यहाँ बड़ी ई. परिवार एक ही है, छोटी बड़ी, यहाँ बड़ी बन गई. छोटी छोटी ऐड करेंगे तो बड़ी, बड़ी छोटी ऐड करेंगे तो भी बड़ी, छोटी बड़ी ऐड करेंगे तो भी बड़ी, बनेगी बड़ी ही. आगे देखो, कपी में छोटी मात्रा, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, मतलब यहाँ बड़ी बननी है, चाहे ऐड किसी को कर लो. आगे है बड़ी ई, फिर बड़ी ई, यहाँ भी बड़ी बनी. ये भी बड़ी, ये भी बड़ी ई, ये भी बड़ी ई. ठीक है, अब ये ई की है. एक तो ये बेसिक सी बात की देखना कैसे है. दूसरा, पेपर में आ जाए गिरीश का संधि विच्छेद करो,
तो गिरी, गिरी मतलब पहाड़, ईश मतलब ईश्वर, तो पहाड़ों पे जो ईश्वर है वो गिरीश कहलाते हैं। एक बार देख लेते हैं, रवि जमा इंद्र क्या बना, रवींद्र। 99% लोग अपना नाम रविंद्र लिखते हैं, नाम तो कैसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी की संधि के हिसाब से कभी रविंद्र शब्द नहीं होता, रवींद्र शब्द है। अगर देखें कि रवि में छोटी ई आई फिर इंद्र में ई आई, तो वो रविंद्र बनेगा ना कि रविंद्र। हम 99.9% लोग रविंद्र बोलते हैं, रविंद्र लिखते हैं नाम में, क्योंकि गड़बड़ नहीं होती, कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अभी और इष्ट, इष्ट मतलब भगवान, तो क्या बना, अभीष्ट। गिरी जमा ईश क्या बना, गिरीश। कपि जमा ईश, कपीश। सारी मात्राएं बड़ी हो रही हैं। कपि आप जानते हैं बंदर को कहते हैं, ईश बंदरों के भगवान, हनुमान के लिए यूज करते हैं। नारी जमा इंद्र क्या बना, नारींद्र। मही जमा ईश, मही होती है धरती, धरती को मही कहा जाता है। मही जमा ईश क्या बना, महीश। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग, अगर यहाँ लिखा होता महा जमा ईश, सिर्फ एक मात्रा से आंसर बदल जाता। पेपर में ऐसी ही चीजें परेशान करती हैं। अगर मही जमा ईश है ई ई तो ई बना, लेकिन यहां देखो ये आ है, अगर इसमें ई आएगा तो आंसर बनेगा ए, महेश बनेगा। सिर्फ एक मात्रा ने आंसर बदल दिया। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, हम रट्टा मार के गए मही जमाईश, वहां आ गया महाजमाईश, फिर बच्चा महीश टिक कराएगा, गलत होगा। ये अलग संधि है, ये गुण संधि का प्रकार है जो मैंने अभी बताया नहीं है, इसको आगे करेंगे, थोड़ा अलग है इसलिए बता दिया, नोटिस में डाल दिया। नेक्स्ट देखो, रजनी जमा ईश, रात के जो ईश्वर है, तो क्या बना, रजनीश। ऊपर आ जाते हैं भानु जमा उदय, भानुदय। भानु छोटा लिखते हैं मात्रा, भानु में ऊ की मात्रा है, देखो मात्राएं बदली, ये ऊ की मात्रा, ये भी ऊ, क्या बन गया, बड़ा ऊ। गुरु में देखो ऊ की मात्रा है र में, आप सभी जानते हैं ना, र में ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, र में हमेशा उसके बीच में लगती है। ये छोटी और बड़ी का अंतर समझ लो, अगर मुझे र में ऊ की मात्रा लगानी है तो बहुत लोग नहीं जानते। देखो ऊ की मात्रा अगर छोटी है तो ऐसे लगा देना, और अगर बड़ी है तो इसको गोल कर देना। जैसे मुझे लिखना है रुक, रुक, तो जल्दी बोला ना ये वाली मात्रा आएगी। मुझे लिखना है रूपवान, तो मुझे मात्रा ये वाली लगानी पड़ेगी। सिर्फ एक गोल करने का असर होता है ये, बाकी एक जैसी हैं, छोटी और बड़ी। चलिए आगे देखते हैं, तो गुरु में क्या है, छोटी मात्रा ऊ की, ये भी छोटा ऊ, यहाँ क्या बन गया, बड़ा ऊ। एक ही फैमिली है ऊ की, कोई और फैमिली नहीं है, पहले ई की थी, इससे पहले अ की थी। ये देखिए सु, ऊ की मात्रा, ये ऊ, ये बड़ा ऊ बन गया। सु जमा उक्ति, यानी अच्छी बात कहना, और हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कम से कम बोलें तो अच्छा, ऐसा ना बोलें जो दूसरे को बुरा लगे, क्योंकि आपकी जबान, आपकी भाषा, आपके परिवेश का परिचय देती है कि आप किस तरह के माहौल में पले बढ़े हैं, आपके पेरेंट्स ने कैसे संस्कार आपके थ्रू दुनिया तक पहुँचाए हैं। हर इंसान एक छवि है अपने माँ बाप की, तो जैसे आप हैं सामने वाले को थोड़ी पता है कि आपके माँ बाप कैसे हैं, वो आपको देख के जज करता है कि आपकी परवरिश कैसे घर में हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेरेंट्स गरीब हैं या अमीर, लेकिन आपके संस्कार देख के ये अंदाजा लगता है कि आप कितने धनी पेरेंट्स के बच्चे हैं। पैसे से कोई धनी नहीं होता, संस्कारों से इंसान बड़ा बनता है बच्चों। तो अपनी भाषा, अपनी जबान को ये कोशिश किया करो कि हम अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं ना, हमारे परिवार का एक आईना है हम लोग, जहां खड़े होंगे हमारे परिवार को सब लोग जज करेंगे कि इसकी फैमिली कैसी है। आपके शब्दों से आपकी पहचान होती है, आपके परिवार की पहचान, आपके माँ बाप के संस्कार की पहचान होती है। चलिए आगे देखते हैं, वधू जमा उत्सव। देखिए वधू में मात्रा बड़ी और यहां उत्सव में छोटी, इकट्ठे होके बड़ी। तो आप देख पा रहे हैं हमने तीन चीजें पढ़ी, क्या अ अ इकट्ठा हुआ तो आ बनेगा, ई ई इकट्ठा हुआ तो बड़ी ई बनेगी, और ऊ ऊ इकट्ठा हुआ तो बड़ा ऊ बनेगा। परिवार एक ही होगा, पहले का एंड देखना है, सेकंड की स्टार्टिंग देखनी है, और उन दोनों से जो चेंज आया वो देखना है। ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल थे, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे। एक दो बार अगर समझ में ना आए, एक आधी बार सुन के फिर किताब उठा लेना, किताब के बिना बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। अगला शब्द देखो क्या लिखा है, वृद्धि। दीर्घ में मैंने क्या बताया, एक परिवार प्लस एक परिवार, आंसर भी एक ही परिवार था, उसमें ऊ है तो ऊ ही आएगा और अगर अ है तो अ ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखो चेंज है, यहाँ क्या करना है, एक परिवार होगा पहला, दूसरा परिवार होगा, और आंसर जब आएगा तो इनमें से कोई सा एक परिवार आएगा। ये कैसे समझोगे, एक एग्जाम्पल देखो, एक में ध्यान दो, कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब अ है, अपने आप समझ जाओ यहां क्या है, अ। अच्छा, अगला में ए दिख रहा है,
अ प्लस ए, हमने परिवार पढ़े ना पांच अ आ ई ई उ ऊ, ऐसे एक परिवार है अ का, एक परिवार है ए का, दोनों को ऐड किया तो देखना जरा चेंज क्या आया, डबल ए की मात्रा यानी बड़ा ए, तो अ में जब छोटा ए जोड़ा तो आंसर आया बड़ा ए। मैंने वही तो लिखा है, अ एक परिवार में था, ए अलग परिवार में था, और जब इकट्ठा किया तो उनमें से एक बड़ा हो गया, या तो अ बड़ा हो जाएगा या ए बड़ा हो जाएगा, यहाँ ए बड़ा हो गया, एक का एक बन गया, एक जमा एक। ऐसे क्वेश्चन पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं, एक जमा एक क्या होगा, बच्चा वहां दुखी आधे 11 सोचेंगे आधे 2 सोचेंगे, हिंदी की संधि है ये, न 2 न 11, यहाँ एक एक बन जाएगा, क पे 2 मात्राएं आ जाएंगी, एक और दूसरा परिवार मिलके किसी एक परिवार को बड़ा कर रहे हैं। आगे देखो, यथा में ध्यान दो, आ एक फैमिली, ए दूसरी फैमिली, अ और ए अलग अलग परिवार है ना, जब इकट्ठे हुए तो बड़ा ए बन गया, ये मात्रा बड़े ए की ही तो है, तो एक परिवार दूसरा परिवार उनमें से एक बड़ा हो गया, जबकि इससे पिछले संधि में क्या था, एक परिवार वही परिवार उसी का आंसर, उसमें किसी दूसरे की एंट्री नहीं थी। अब यहां एक फैमिली है, दूसरी फैमिली है और उनमें से एक बड़ा हो रहा है, ठीक है। एक और देखिए, वन में छिपा है आपको दिख नहीं रहा, मतलब अ है। अगले का देखना, औषध में क्या है आगे, ओ, और जब इकट्ठा हुआ तो ये मात्रा किसकी है, बड़े ओ की। अब देखें, एक फैमिली थी अ आ, दूसरी ई ई, फिर उ, फिर ए आई, पांचवी थी ओ औ, ये पांचवी फैमिली थी, मतलब दूसरी फैमिली हो गई ना अलग से, इनमें से ही एक परिवार बड़ा हो गया। तो जहां ऐसी कंडीशन होगी बिना सोचे समझे टिक कर देना वृद्धि। अब तुम पेपर में कंफ्यूज होगे कि वृद्धि मुझे याद कैसे रहेगा, बहुत आसान है। हम जब क ख ग सीखते हैं तो पहले क ख ग की जो माला होती है वर्णमाला, इसमें द पहले आता है, द, और बाद में जाके आता है व, तो पहले अपना परिवार बढ़ेगा, एक प्लस एक इज इक्वल टू एक होगा, फिर दूसरे की फैमिली यानी वन प्लस टू इज इक्वल टू टू बनेगा, ठीक है। ये 1-2 मैथ्स वाले नहीं है, ये 1-2 आपके कोड हैं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। तो ये देखो, द दीर्घ पहले, 1+1 इज इक्वल टू 1 दीर्घ संधि, और 1+2 इज इक्वल टू 2 या 1 में से कोई बड़ा, ये वृद्धि संधि है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, महा में क्या छिपा है, आ एक परिवार, औ दूसरा परिवार, इकट्ठे हुए तो दूसरा ही बड़ा हुआ, महोदार्य। महा में आ ए, दो अलग अलग परिवार इकट्ठे हुए तो एक उनमें से ए बड़ा हो गया, बड़ा ए। मत में छिपा है अ, जो दिख नहीं रहा, अ और ए अलग अलग है ना, यहां इकट्ठे होके बड़ा ए बन गया, तो दो अलग परिवार इकट्ठे होंगे और उनमें से एक बड़ा होगा, तो ये कहलाएगी वृद्धि संधि, ठीक है। ये जितने ज्यादा पढ़े जाएं उतना आपको फायदा रहेगा, ये ऐसा नहीं होता कि आप 5 पढ़ेंगे और आपको टिक मार्क करना आ जाएगा, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। एक बार फिर देख लेते हैं, एक जमा एक क्या बना, एक का एक। नेक्स्ट है यथा जमा एव, क्या बना, यथेव। वन जमा औषध, वन औषध। महा जमा औदार्य, महोदार्य। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। और मत जमा ऐक्य, मत ऐक्य बना। नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि, गुण का एक गुण है, इसका गुण क्या है, देखो, एक प्लस दो इज इक्वल टू 3, ये सही मैथ्स का गुण है इसके अंदर, यानी एक परिवार देखना है, एक परिवार मिलेगा फर्स्ट शब्द के एंड में, दूसरा परिवार मिलेगा सेकेंड वर्ड में स्टार्टिंग में, और तीसरा परिवार मिलेगा चेंज में। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, गण जमा ईश। अब ध्यान से देखना, गण में छिपा हुआ है अ, ईश की स्टार्टिंग में है ई, दोनों अलग फैमिली है ना, अ अलग है ई अलग है, और जब इकट्ठा किया आपने तो इसका जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा गणेश। इसमें आप कैसे पहचानेंगे, मात्रा होती है हमेशा, भाई स्वर की पहचान मात्रा ही तो है, ये किसकी मात्रा है, ए की। ए अलग फैमिली है, अ अलग परिवार है, ई अलग परिवार है, और ए अलग परिवार है। आप 5 परिवार जानते ही हैं मैंने जो भी लिखे थे। अब ये 1+2 इज इक्वल टू 3, यही इसका गुण है। पहले में क्या था, एक ही परिवार के तीनों हैं, चाहे कोई परिवार हो, अ का हो, आ का हो, ई का हो, एक परिवार। दूसरे की पहचान क्या थी वृद्धि की, एक अलग फैमिली, दूसरी अलग फैमिली बड़ी होने पर इन्हीं में से बनेगी, और गुण का गुण ही है कि वो सारे के सारे अलग हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देव जमा इंद्र। देखो, देव में दिख नहीं रहा अ, इंद्र में ई, और जब इकट्ठे हुए तो ए बन गया।
ठीक है, चेंज पे नजर रखनी है, बाकी मात्राओं पे नहीं। उप में छिपा हुआ है अ और ईक्षा में है ई। अ और ई अलग अलग हैं, यहां ए बन गया। यहां पे अ गण में अ छिपा है, ई अ और ई ए बन गया, अ और ई ए बन गया, आ और ई ए बन गया, ये भी आ और ई ए बन गया। पेपर में या तो संधि का प्रकार फाइंड आउट करना आता है, या फिर क्वेश्चन आएगा, शब्द देंगे और कहेंगे संधि विच्छेद करके दिखाओ। तो बहुत आसान है ये, खेल प्रैक्टिस का है सिर्फ। मैं बार बार कह रही हूँ, जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें फायदा। देव जमा इंद्र क्या बनेगा? देवेंद्र, ए बन जाएगा। ऐसे ही उप जमा ईक्षा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उपेक्षा करना, निग्लेक्ट करना किसी चीज को, उप जमा ईक्षा, ई बड़े वाली, उप जमा ईक्षा क्या बनेगा? उपेक्षा। नेक्स्ट है गण जमा ईश, क्या बना? गणों के भगवान, गणेश। स्व जमा इच्छा क्या बना? स्वेच्छा, खुद की इच्छा। महा जमा इंद्र, महेंद्र। अभी मैंने देखो पिछले इस पर स्लाइड पर बताया था, मही जमा इंद्र, मही धरती को कहते हैं, तो क्या बना था? महेंद्र। अब देखो कितना कम अंतर है। जो समझदार हैं वो इस चीज को नोटिस करके ध्यान से पढ़ के जाते हैं, अदरवाइज ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं। छोटी सी मात्रा ने सारा खेल खराब कर देना एग्जाम में। यहां सिर्फ एक मात्रा आ है, ये आ। आ और ई क्या बन गए? ए। तीनों अलग परिवार हैं, गुण है। यहां देखना ई और ई और ई एक ही परिवार है। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है अगर प्रकार आए, और ये गुण संधि का। यहां महाजमा इंद्र है, वो मही जमा इंद्र है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आंसर बिल्कुल अलग है दोनों का। रमा जमा ईश, रमेश बनेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं रमेश, तो राम जमा ईश मत कराना, रमा जमा ईश। आ प्लस ई इज इक्वल टू ए है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, और इतना पढ़ने के बाद तीन संधि के प्रकार मैंने आपको कराए। किसी भी किताब को उठाइएगा, किसी भी किताब, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब किताबें लगभग अच्छा लिखती हैं और सभी राइटर्स मेहनत करके ही किताब निकालते हैं। कहीं से भी पढ़िएगा, ये संधि के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे से, जो कि संधि के भेद में आते हैं। स्वर संधि में पांच भेद हैं, दो कल करा दूंगी, कल व्यंजन संधि भी करा दूंगी, और फिर अगर टाइम बचा तो कल ही विसर्ग भी निपटा लेंगे, ठीक है। हिंदी को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, हिंदी 7-8 नंबर की आएगी, लेकिन वो 7-8 नंबर लेने के लायक होंगे। ये नहीं पता बाकी सब्जेक्ट, अब जीके है, कहीं से भी उठा के दे दें। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जीके में परफेक्ट हो गए। मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ आज तक, कोई टीचर ही परफेक्ट नहीं है। कितना भी पढ़ेंगे तब भी कहीं ना कहीं कुछ तो आपका रह ही जाएगा ना। इमेजिन कीजिए पेपर वहीं से आ गया, तो कोई कंफर्म नहीं है कि वो पक्का हमें आता होगा। आप ये मान के चलिए अगर 60 नंबर की जीके, हरियाणा जीके सब कुछ मिला के आएगा, तो अगर आप इसमें से 45-47 ले लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। 60 में से 60 नहीं आने किसी के भी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसान आ रहा है अब तक HSSC में, और 7-8 में से मान के चलिए कि 7 नंबर 6 नंबर आसानी से अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना रेगुलरिटी से, 10-10 मिनट आप रोज देख लीजिए, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां या शब्द भंडार, वो कैप के ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए, ये नंबर आपके हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक महीना आपके हाथ में है, जुलाई में 100% उम्मीद है पेपर हो जाएगा कॉन्स्टेबल्स का, और फिर जल्दी ही अगली जो एग्जाम्स हैं वो क्लर्क के रहेंगे। तो बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत का टाइम आ गया, अब अपनी नींद थोड़ी सी घटा लो और पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करो। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने, मुझे फील हुई कि बहुत सारे लोग जो है ना यूट्यूब एक चक्रव्यूह है बच्चों, मैं पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे एक अलग चीज़ है, लेकिन यूट्यूब एक चक्रव्यूह है। और जैसे अर्जुन को चक्रव्यूह भेदना आता था ना, निकलना भी आता था, तभी तो अर्जुन कामयाब था। अभिमन्यु क्या गलती कर गया? चक्रव्यूह में एंटर तो कर गया, निकलना नहीं आता था। ये यूट्यूब एक चक्रव्यूह है, ऐसा ना हो कि आपको इस बाहर निकलना ना आए, आप एंट्री कर जाएं और आपको पता ही ना चले कि आप दिन के 4-6 घंटे कैसे खराब कर रहे हैं। आप किसी भी चैनल से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप एक टॉपिक को 50 चैनल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे मेरी पढ़िए, नहीं अच्छी लगती कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीचर सबको अच्छा लगे। समझदार इंसान कौन, अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा, किसी भी चैनल पर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये नहीं समझ आ रहा, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम ले रहे हैं, आप तुरंत वहां से हट जाइए, दूसरे चैनल पे देख लीजिए, वहां आपको ठीक लगे वहां रुक जाइए। पर ऐसा मत कीजिए, एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ा हरियाणा की नदियां,
एक इमेजिन कीजिए हरियाणा की नदियां पढ़ते हैं. अब हरियाणा की नदियां आप लेके बैठ गए यूट्यूब पे कि पढ़ना है मुझे. आपने एक क्लास देखी, दो देखी, तीन देखी, चार देखी, आपने छह क्लास देख ली. मान लीजिए 20-20 मिनट की आपने छह क्लास देख ली, आपके कई घंटे चले गए, आपको पता ही नहीं चला. 1.5-2 घंटा आपने सिर्फ यूट्यूब पे एक छोटा सा हार्डली 15 मिनट का टॉपिक था वो किताब से पढ़ते. तो तरीका पढ़ने का ये होता है बच्चों, चक्रव्यूह है, आप फंस जाओगे इसमें. ये तरीका होता है, अपनी किताब उठाओ, किताब को एक बार गो थ्रू, सरसरी नजर से निकल जाओ एक टॉपिक से. इसके बाद YouTube पे जाओ और किसी भी चैनल को जब आप खोलते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि इनकी भाषा मेरे पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही. अगर आपको भाषा नहीं समझ आ रही, मत रुकिए, आपका टाइम कीमती है, बहुत कीमती है. तुरंत वहां से हट जाइए, दूसरे चैनल पे जाइए. अगर आपको लगता है बेकार है तो बंद कीजिए. सबसे बढ़िया किताब है, मैं फिर यही कहूंगी. मेरा टारगेट ये बिल्कुल नहीं है कि आप इससे चिपके रहें या हमारी क्लास जरूर पढ़ें. ना हम गारंटी देते कि हमारे पढ़ाई से बाहर कुछ नहीं आएगा. आएगा बच्चों, सिलेबस इतनी छोटी चीज नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही पेपर में मिले. ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है. ये क्लासेस को ये नहीं है कि कंफर्मेशन है कि आपका सिलेक्शन होगा. तो जहां आप पढ़ रहे हैं, एक और चीज भी है इसी में, कुछ लोग इतने मूर्ख हैं, मुझे ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, इतने मूर्ख हैं कि उनको इतनी भी समझ नहीं होती कि जो चीज अच्छी नहीं लग रही है उसको क्यों देखा जा रहा है. वो ये समझ ही नहीं पाते कि अपना कितना कीमती टाइम वो ऐसी वीडियोस पे लगा रहे हैं. अगर मेरी खुद की क्लास भी किसी को नहीं पसंद तो वो अपना वो बहुत बड़ा बेवकूफ है अगर वो फिर भी क्लास को देख रहा है. वो चिढ़ रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है. जैसे ही क्लास में लगे कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, फटाफट से हट जाओ, तुरंत हट जाओ, दूसरी जगह देखो. ना अच्छी लगे ना तो अपनी किताब पे पहुंच जाओ. किताब से बढ़िया कुछ नहीं है. ये यूट्यूब हेल्पिंग हैंड है, सिर्फ 15-20 मिनट. अपनी लाइफ में टारगेट बना लो पास होना, और आधे घंटे से ज्यादा अगर आप एक टॉपिक को दे रहे हैं ना तो आप सच में बहुत गलत रास्ते पर हैं. इतनी गलती मत कीजिए. ये टाइम दोबारा नहीं आना, ना ही यूट्यूब आपको पास करा सकता. यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि यूट्यूब देखने से कोई पास नहीं होगा. पढ़ना लास्ट में किताबों से पड़ेगा, ठीक है. तो जिसको क्लासेस अच्छी नहीं लगती वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है और फिर भी वो क्लास देख रहा है. तो जिसको क्लास अच्छी लगती है, क्लास देखिए, लास्ट में जाके अपनी किताबों पे बैठ जाइए और किताबों से पढ़ के कामयाब बनिए, ठीक है. ऑल द बेस्ट बच्चों. एग्जाम की तैयारी पूरे जोर शोर से करो और अब नेगेटिव लोगों से बिल्कुल हटके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे अपना ध्यान दो. रात बहुत हो गई है, आज के लिए इतना ही. कल फिर कल देखते हैं, जैसे बन पाएगा कल हिंदी की क्लास ही करा दूंगी. गुड नाइट.